तो दोस्तों, शाहरुख खान की मोस्ट मच अवेटेड फिल्म पठान का एडवांस बुकिंग कल से स्टार्ट हुआ है और दोस्तों दबा के एडवांस बुकिंग हो रहा है पठान फिल्म का। वाओ, बिल्कुल दोस्तों, बहुत तेजी से टिकट बुक हो रहा है फिल्म पठान का और मिनटों में हाउसफुल हो रहा है। तो इस वीडियो में आपको बताऊंगा एडवांस बुकिंग के बारे में, अब तक कितना एडवांस बुकिंग हो चुका है पठान फिल्म का, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। वेल हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मूवी वाला। दोस्तों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना आगे ऐसी ही पठान फिल्म के एडवांस बुकिंग के बारे में जानने के लिए। दोस्तों, पठान फिल्म 25 जनवरी को हिंदी, तेलुगु, तमिल में रिलीज होने जा रही है और फिल्म का एडवांस बुकिंग एक हफ्ते से पहले स्टार्ट हो चुका है। हालांकि दोस्तों, अभी सिर्फ हिंदी में स्टार्ट हुआ है एडवांस बुकिंग। तो बात करें अब तक कितना एडवांस बुकिंग हो चुका है, तो आपको मैं बता दूं दोस्तों, अभी तक इंडिया से 1,33,00,000 का एडवांस बुकिंग हो चुका है केवल हिंदी में, जिसमें से दोस्तों मुंबई से हुआ है 28,93,000 का, ऑक्यूपेंसी रेट है मुंबई का 16%। दिल्ली से हुआ है दोस्तों 26,31,000 का, ऑक्यूपेंसी रेट है दिल्ली का 17%। पुणे से दोस्तों एडवांस बुकिंग हुआ है 4,00,000 का, ऑक्यूपेंसी रेट है पुणे का 12%। बेंगलुरु से हुआ है दोस्तों 6,86,000 का, ऑक्यूपेंसी रेट है बेंगलोर का 11%। और दोस्तों कोलकाता से हुआ है 15,00,000 का एडवांस बुकिंग, ऑक्यूपेंसी रेट है कोलकाता का 37%। हैदराबाद के बारे में बात करें तो हैदराबाद से हुआ है 14,16,000 का, ऑक्यूपेंसी रेट है हैदराबाद का 29%। फिलहाल दोस्तों कल रात तक 1,33,000 का एडवांस बुकिंग हो चुका है इंडिया से। और दोस्तों ये बस हिंदी का एडवांस बुकिंग हुआ है, अभी तेलुगु और तमिल का बाकी है। आपको बता दूं दोस्तों, बहुत तेजी से एडवांस बुकिंग हो रहा है पठान फिल्म का। फिलहाल दोस्तों आगे भी एडवांस बुकिंग होते रहेगा और आपको मैं बताते रहूंगा एडवांस बुकिंग के बारे में। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और दोस्तों, आपने टिकट बुक किया कि नहीं किया लिखकर जरूर बताना कमेंट बॉक्स में। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना आगे ऐसे ही पठान फिल्म के एडवांस बुकिंग के बारे में जानने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।